हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे को नए ब्लॉग में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जागे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है नए दिन के साथ। देखिए अभी यहाँ लगी है बारिश और मैं फंस चुका हूँ अभी यहीं पर। मैं जा रहा था आज गाइस श्रीनगर, तो दिखाते हैं आपको, पर यहाँ पर लग चुकी है बहुत ही तेज़ वाली बारिश। अभी मैं घर ही के जस्ट नीचे पर आया था तो बारिश लग गई, अभी यहाँ पर खड़ा हो रखा हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसा मौसम हो चुका है अभी फ़िलहाल। बारिश तो लगी है पर जाना तो पड़ेगा श्रीनगर, इसलिए भी जा रहा हूँ क्योंकि मेरे इस पैर में पड़ रखी है मोच और काफ़ी दर्द हो रहा है इस पैर में। और अभी मैंने पकड़ा है छाता तो बाल भी ख़राब हो चुके हैं पूरे बारिश में भीग के। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे आपको आगे के सफ़र में। तो फ्रेंड्स, अभी घूम रहे हैं हम सब्जी मंडी में, कुछ ये हो रखा श्रीनगर का अभी मौसम। और अभी हम आ चुके हैं मिक्स, तो श्रीनगर के मार्केट कुछ ऐसा हो चुका अभी मिक्स। और आज तो गर्मी का मौसम नहीं है, अभी फिलहाल उमस तो हो रही है इधर थोड़ा बहुत। और ये है श्रीनगर मार्केट, अभी हम रुके यहाँ पर जूस पीने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो किसी ने आग लगा दी है इधर, तो गाइस इधर भी देखो और गांव के ठीक सामने भी लगा दी, पूरा धुआं ही धुआं आ रहा है उधर से। इधर आगे तो पहले लगा दी थी, तो गाइस क्या मिलता होगा जिन्होंने ये आग लगाई है। कितने पशु पक्षियों अपने बेघर हो जाते हैं, उनके घोंसले रहते हैं पेड़ पे जमीन पे, तो उनके बच्चे रहते हैं आग आग में जल जाते हैं। और जो जंगली जानवर रहेंगे वो तो वहाँ से भाग के गांव की तरफ तो आएंगे, तो फिर बाघ भल्लू तो गांव की तरफ आएंगे। आग लगा क्या मिलता होगा इनको, पागल हो गए हैं सबके सब जो ये आग लगाते हैं। देखिए गाइस क्या धुआं आ रहा है उधर से, ये देखिए यहाँ ठीक नीचे गांव के नीचे, तो ये आग तो इधर आ जाएगी ठीक ऊपर तक। कुछ यहाँ है गांव, इधर से मैं दिखाता हूँ जहाँ से पूरा दिख जाए। भाई देखिए, अब भी देखिए क्या धुआं आ रहा है पूरा वहाँ से, ये धुआं आ रहा है वहाँ से और गांव के उधर भी लगाए किसी ने ठीक सामने। भाई देखिए क्या मिलता होगा इन लोगों को यहाँ आग लगा के, जहाँ पूरे पशु पक्षी बेघर हो जाते हैं, उनके बच्चे जल जाते हैं,
फिर जो जंगली जानवर होंगे बाघ भालू वो गांव की तरफ तो आएंगे, सुधरते नहीं है लोग, बाज नहीं आते। एक बार आग लगाने से कितनी बार लगा दी इन्होंने इधर जंगलों में आग, मतलब समझ लो जून जुलाई का महीना आया, आग लगने का सीजन शुरू हो गया। तो गाइस बहुत बेकार बात है जो लोग आग लगाते हैं, यही कहना चाहता हूँ मैं इनके बारे में। या फिर इनके घर पे लगा देना कोई आग, तब मज़ा आएगा, तब इनको कितनी दिक्कत होगी तब पता चलेगा। यह तो जल जाएंगे, दूसरे को भी मारेंगे अपने साथ साथ, यही होता है। इनके घर पे लगाएंगे आग तो कितना दुख होगा उन्हें भी कि कोई किसी का घर जला दे। तो फ्रेंड्स पता नहीं किसी की गाय यहाँ पर ला रखी थी, पता नहीं कहाँ से आई यहाँ पर, पता नहीं क्या हुआ इसे, क्या इन लोगों को क्या होता है पता नहीं। देखिए कुछ हो चुका है इस गाय को, देखिए मैं भी आ रहा था कहीं से तो देखा मैंने, देखो गाइस क्या किया है इस गाय ने किसी का, जो इन बेजवान जानवरों को ऐसा करते हैं। देखिए हम भी क्या कर सकते हैं हम गाइस, पता नहीं क्या हुआ उसे।